आसमान में बादल छाए रहने से ठंड में इजाफा हो गया है। सुबह घना कोहरा और पाली की मोटी परत से शीतल हवा चल रही है। शीतलहर के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में और अधिक ठंड का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी इंतजाम करने की भी हिदायत दी गई है। आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सोयाल ने बताया कि जिला अधिकारी अनुराधा पाल के निर्देश पर ठंड से बचने के लिए जिले के विभिन्न स्थानों में अलाव जलाए जा रहे हैं। देखिए, मौसम विभाग का जो हमारे पास अलर्ट आया है उसमें जो है पर्वतीय क्षेत्रों में इन्होंने जो है हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना की गई है। और बागेश्वर में भी आप देख रहे हैं कि हमारे मौसम में अचानक से परिवर्तन हुआ है और ठंड बढ़ गई है पहले की अपेक्षा। और जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी को निर्देश, तहसीलों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी हमारे सार्वजनिक स्थान हैं आवश्यकता अनुसार वहाँ पर अलाव जलाया जाए। और सभी जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। रैन बसेरे की भी सभी जगह व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी लोग खुले में और खाली मतलब ऐसे स्थानों में खुले में ना रहे, इसके लिए आवश्यक व्यवस्था की गई। सीसीएन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।